पाकिस्तान पर कब्जा हो गया। देखिए वो उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं कि वो सबका सही सही लोगों का सही तरीके से देखेंगे, न्याय करेंगे सबके साथ। किस तरह देखिए देखते हैं आप हम तालिबान तो कब्जा इसलिए को? देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्ज़ कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि हाँ तो ठीक कट्टर है, कट्टरपंथी सोच है अरे वो भाई वो तालिबान। अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए, जब भी कोई किसी, तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर विवादित बयान देने वाले संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ संभल पुलिस ने केस दर्ज किया है। बीजेपी के नेता राजेश सिंघल की शिकायत पर संभल कोतवाली में बर्क समेत 3 लोगों के खिलाफ धारा 153A, 124A और 295A के तहत मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें, शफीकुर रहमान बर्क ने 16 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए तालिबानियों को स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बताया था।